I now give the floor to the distinguished representative of Pakistan to introduce an address by the head of government Mr President I have the great honor to introduce a recorded statement by his excellency Mr Imran Khan the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan Rahmanir Rahim जनाब सदर मैं आपको अकवा मुतहदरवी अजलास की सदारत संभालने पर, पर मुबारकबाद देता हूँ मैं आपके पेशरोन बास्कर को भी उनकी कामयाबियों पर खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने महारत के साथ कोविड नाइन्टीन की आलमी वबा की वजह ऐसी दरपेश मुश्किल हालात के दौरान रहनुमाई फरहम की दुनिया को कोविड-19 के साथ-साथ बहरान और मालियाती तब्दीलियों के खतरे की वजह से तीन तरफा चैलेंजेस का सामना है वायरस अका और लोगों के दरमियान तफरीक नहीं करता, न ही गैर यकीनी मौसमिया रवैयों की वजह से आने वाली तबाहियां ये तफरी करती हैं हमें दरपेश मुशतरक खतरा न सिर्फ बैन अवी निज़ाम की नज़ाकतों को आश्कार कर रहे हैं बल्कि वह इंसानियत के इतिहाद की जरूरत पर भी जोर देते हैं अल्लाह ताली के फसल करम से अब तक पाकिस्तान कोविड की वबा को काबू में रखने में कामयाब रहा है बाबन की हमारी मनसूबाबंदी का महवर स्मार्ट लॉकडाउन थे जिसकी बदौलत हमें इंसानी जिंदगी और माश को चलाने में मदद मिली और हमारी मीशत का पहिया भी चलता रहा हमारे समाजी तहफ़ के प्रोग्राम एहसास की बदौलत डेढ़ करोड़ खानदान कोरोना बंदिशों की सख्तियों से अहता बरा होने में कामयाब रहे जनाब सदर मौसमियाती तब्दीली हमारी बका को दरपेश खतरात में से एक है जिनका हमारे स्यारे को सामना है मुजर सेहत गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है इसके बावजूद हम उन दस ममालिक में से एक हैं जो दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं अपनी आलमी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकफियत रखते हुए हमने इस बारे में एक इनकलाबी मालियाती प्रोग्राम का आगाज किया है दस अरब दरत लगाने की सोनामी मुहिम के तवसत से पाकिस्तान में नए सिरे से जंगलात उगा कुदरती आमाजगाहों को महफूज बना रहे हैं काबिल तजदीद तोानाई पर मुंतकिल हो रहे हैं और अपने शहरों से आलूदगी का खात्मा कर रहे हैं माहौलिया तब्दीलियों के असर का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं कोविड 19 की आलमी वबा इसके सबब माशी बदहाली और मौसमियाती एमरजेंसी के तीन तरफा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें एक जाम मनसूबाबंदी की जरूरत है जिसमें पहले नंबर possible. पर वैक्सीन की यकसा दस्तियाबी यानी हर जगह हर, हर शख्स को कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगनी चाहिए और जितना जल्दी मुमकिन हो लगनी चाहिए दूसरा तरक्की पजीर मुल्कों को मुनासिब फाइनेंसिंग की सहूलत लाजमंद मिलनी चाहिए जिसे कर्जों की जाम तरतीब नौ और डी ए का हजम बढ़ाने और गैर इस्तेमालशुदा एस डी आर की दोबारा तकसीम और एस डी आज का बड़ा हिस्सा तरक्की पजीर मुल्कों को अलॉट करके और मौसमियाती तब्दीलियों के असर से निमटने के लिए फाइनेंसिंग की सहूलत फराम करके यकीनी बनाया जा सकता है हमें सरमाकारी की वाज मंसूबाबंदियों को इख्तियार करना चाहिए जो गुरबत के खात्मे रोजगार पैदा करने पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर डिजिटल तकसीम का खलाक कम करने में मददगार मैं तजवीज़ दूँगा कि सेक्रेटरी जनरल 2025 में पायदार तरक्की के अहदाफ एस टी जी के लिए सरबरा अजलास बनाएं जिसमें पैदा तरक्की के आहदा का दोबारा जायजा लिया जाए और इन पर अमल दरामद के लिए काम की रफ्तार तेज की जाए बिकॉज ऑफ दर ऑफ दर्ल्ड करप्टूल जनाबर तरक्की पजीर ममालिक बदुलवान हाकिम अशराफिया लूट की लूटमार की वजह से अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान फर्क खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा, रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म से दुनिया तो 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 की तवज्जो दौलत की तरक्की पजीर मुल्कों से नाजायज उड़ान की जानब मबजूल कराता आया हूँ सेक्रेटरी जनरल के आला सतह पैनल बरए मालियाती एहत शियत और मुकम्मल दयानतदारी जिसे फैक्ट आई कहा जाता है ने यह हिसाब लगाया है कि सात हजार अरब डॉलर के खतीर चोरी शुदा असासे महफूज मालियाती पनागाहों में छुपाए गए हैं इस मुनजम चोरी और असासों की गैर कानूनी मुंतकली के तरक् पजीर मुल्कों पर दूरस मनफी असर पड़े हैं और इस अमल से उनको दस्ताब मामूली वसाइल की हालत मजीद पतली होती जाती है और गुर्बत की सतह में भी तेजी से इजाफा होता है खासतौर पर जब मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए माल मुल्क से बाहर ले जाया जाता है तो इसके नतीजे में इन मुल्कों की करेंसी पर दबाव पड़ता है और इसकी क़दर में भी कमी वाकई होती है मौजूदा रफ़्तार से जबकि फैक्ट आई पैनल ने अंदाजा लगाया है कि हर साल 1000 अरब डॉलर ترقی پذیر मुल्कों से निकाल लिए जाते हैं नतीजतन तलाश ए के लिए अमीर मुल्कों की जानिब हिजरत करने वालों का एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा जो कुछ रीस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किया वही कुछ तरक्की पजीर मुल्कों के साथ उनकी अशाफिया कर रही वो दौलत लूट रहे हैं और इसे अमीर मुल्कों के दारकूमतों और टैक्स की जन्नतों में मुंतकिल कर रहे हैं जनाब तरक्याफ्ता मुल्कों से चोरी शुदा असासों की वापसी गरीब कौमों के लिए नामुमकिन है अमीर मुल्कों के लिए ना कोई कशिश है और ना ही कोई मजबूरी कि वो ये गैर कानूनी तौर पर कमाई हुई दौलत वापस लौटाए गैर कानूनी तौर पर हासिल शुदा ये दौलत तरक्की पजीर मुल्कों के आवाम की मिलकियत है, है।, है। मैं देख सकता हूँ कि मुस्तबिल करीब में एक वक्त आएगा कि जब अमीर मुल्कों को इन गरीब मुल्कों से मुआश के लिए बड़ी तादाद में हिजरत करने वालों को रोकने के लिए दीवारें तामीर करना पड़ जाएंगी मुझे खौफ है किबत के समंदर में चंद अमीर जजीरे वैसे ही एक आलमी आफत की शक्ल अख्तियार करेंगे जैसा कि मौसमियाती तब्दीली ने की है जहाजा जनरल को ठोस इकदाम करना ताकि परेशानी और अखलाकी तजादात का बायस बनने वाली इस सूरत हाल से बरा हुआ जा सके गैर कानूनी दौलत के लिए मौजूद इन जन्नतों का नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा करने की जरूरत है और एक जाम कानूनी फ्रेमवर्क तशकल दिया जाए जिससे दौलत की गैर कानूनी उड़ान को रोका जाए और इस दौलत को वापस लौटाया जाए इस इंतहाई बड़ी मुआषी इंसाफी के खात्मे के लिए इनकलाबी इकदाम की जरूरत है कम से कम सेक्रेटरी जनरल के फैक्ट आई पैनल की सिफारिशात पर पूरी तरह अमल किया जाना चाहिए जनाब इस्लामोफोबिया एक और ऐसा खौफनाक रुझान है जिसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना है नाइन अलेवन के दहशत गर्दी के हमले के बाद से कुछ हल्कों की जानब से दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता रहा है इससे दाएं बाजों के खौफनाक और पुरतद कौमी परस्ती के रुझान में इजाफा हुआ जिसके सबब इंतहा पसंद और दहशत गर्द मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं जनरल असम्बली की आलमी दहशत गर्दी के खिलाफ पेशबंदी ने इन उभरते हुए खतरा को तस्लीम किया है हमें उम्मीद है कि सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट इन इस्लाम मुखालिकजानत और दाएँ बाजू के इतहा पसंदों की जानब से पैदा करदा दहशत गर्दी के नए खतरा का अहाता करेगी मैं सेक्रेटरी जनरल से अपील करता हूँ कि वो इस्लामो का तदारक करने के लिए बैनी मकालमा शुरू करवाएँ साथ ही हमें बैन हम आहंगी के फरो के लिए मुतवाजी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। जनाब सदर इस वक्त इस इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और भयानक शक्ल भारत में पंजे गाय एस एस बीजेपी हुकूमत की जानब से फैलाए गए नफरत से भरे हिंदुत्व नजरिया ने भारत में बसने वाले बीस करोड़ से जायद मुसलमानों के खिलाफ खौफ और तशद की एक लहर जारी कर रखी गौ माता के जालों ने जत्थों की सूरत में मुसलमानों के कत्लेम का सिलसिला जारी रखा हुआ है वक्फे वक्फे से मुन कत्ल कारत का ये सिलसिला जारी है जैसा कि नई दिल्ली में गुजशत बरस हुआ शहरीत के इम्तियाजी कवानी जिनका मकसद भारत को मुसलमानों से पाक करना है और भारत भर में मसाजिद को शहीद करने की मुहिम और इसकी इस्लामी तारीख और वर्षे को मिटाने की कोशिशें जारी हैं नई दिल्ली ने एक ऐसे रास्ते का इंतजाम किया है जिसे वो बदकिस्मती है भारत ने 5 अगस्त दो हजार उन्नीस और गैर कानूनी इकदाम शुरू कर रखे हैं उसने नौ लाख काबिज फौज के जरिए खौफ की एक लहर जारी कर रखी है उसने सीनियर सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाल रखा है मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगा रखी है, है। तेरह हजार कश्मीरियों को अगवा करके उनमें से सैकड़ों को तशद का निशाना बनाया गया सैकड़ों कश्मीरियों को कत्ल किया और इज्तिमाी सजाएं देने की हवेश अपनाई हुई है जिसमें पूरे पूरे गांव और मजाकती इलाके तबाह कर दिए जाते हैं हाल ही में हमने एक दोसेर दोसेर जारी, जारी, जारी किया है जिसमें मनजम और बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई है इस जबर के साथ साथ मकबूजा इलाके की आबादी का तनासब बदलने की कोशिशें भी जारी कोशिश की जा रही है कि इसे मुस्लिम अक्सरियती इलाके से मुस्लिम अकली इलाके में बदल दिया जाए भारतीय कार्रवाइया अवद की जम्मू कश्मीर के बारे में सलामती काउंसिल की की सरीहन खिलाफ वर्जी करारदों में साफ वजाहत मौजूद है कि इस कजिए का हतमी फैसला अकवा मुत की निगरानी में करवाए गए एक शफाफ और आजादाना इस तस्वय में खत्े के अवाम को करना है मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय बैनिन्न बरए इंसानी और इंसान दोस्त कवान की भी खिलाफ वर्जी है बशमूल चौथे कन्वेंशन के तहत ये जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ के जुमरे में आती हैं वेरी यह बदकस्मती है कि दुनिया का इंसानी की खिलाफ वर्जियों के, के हवाले से रवैया मुसावियाना नहीं है अक्सर बड़ी ताकतों को इलाकई सियासी मामला और कारोबारी मफदात मजबूर कर देते हैं कि वो अपने दोस्त मामालिक के खिलाफ वर्जियों से सर नजर कर जाते हैं बीजेपी की, की पामाली की खुली छुट्टी दी गई है भारतीय की ताज़ा तरीन मिसाल, अज़ीम कश्मीरी सैयद अली गिलानी हैं, जिनकी मैय को उनके खानदान से जबरदस्ती छीन लिया गया इस्लामिक उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इस्लामी तरीक़ार के मुताबिक तीन के हक से भी महरूम गया। ये कार्रवाई जिसका कोई अखलाकी या कानूनी जवाब न था बुनियादी इंसानी की शाइस्तगी के खिलाफ मैं जनरल असम्बली से कहता हूँ कि वो सैयद अली शाह गिलानी की बाकियात की बाकायदा इस्लामी रिवायात के मुताबिक शोहदा के कब्रिस्तान में तदफीन का मुतालबा करे पाकिस्तान जनाब सदर पाकिस्तान अपने दीगर हमसायों की तरह भारत के साथ भी अम का ख्वाहिशमंद है लेकिन जनूबी एशिया में पायदार अम का दारदार जम्मू कश्मीर के मसले का अवानी मुतहद की सलामती काउंसिल की मुतल करारदादों और जम्मू कश्मीर के आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होने गुजशत फरवरी में हमने कंट्रोल लाइन पर जंग के दो हजार तीन के माहदे का अदा किया उम्मीद ये थी कि इससे दिल्ली में हमत अमली पर दोबारा गौरव खौस होगा लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बीजेपी की हुकूमत ने कश्मीर में मुजालिम की इंतहा कर दी, वो इस बरबरीत से माहौल को बिगाड़ने की कोशिशों में मसरूफ है अब ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के साथ बासद और नतीजा खेज मजाक के लिए साजगार माहौल बनाए और इसके लिए भारत को लाजमन ये इकदाम करने की जरूरत है नंबर एक पाँच अगस्त 2019 से किए गए एक तरफा और गैर कानूनी इकदाम को मनसूख करें नंबर दो, कश्मीर के आवाम के खिलाफ जुल्म जबर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ नंबर तीन मकबूा इलाके में आबादी के तनासब में की जाने वाली तब्दीलियों को रोके और मनसूख करें। ये भी जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग को रोका जाए भारत की फौजी तैयारी जदीद जौहरी हथियारों की तैयारी और अदम इस्तेकाम पैदा करने वाली रिवायती का हुसूल, दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद डेटरेंस को बेमानी कर सकता है जनाब सदर अब मैं अफगानिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ किसी वजह से अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल यानी वहाँ होने वाली तब्दीली तो के हवाले से अमेरिका और यूरोप तो में बाज सियासतदान पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करते रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूँ कि सब जान लें कि जिस मुल्क ने अफगानिस्तान के अलावा सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है वो पाकिस्तान जब हम नाइन अलेवन के बाद दहशत के खिलाफ अमेरिका की जंग में शामिल हुए थे अस्सी हजार पाकिस्तानी मारे गए और हमारी मीशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ पाकिस्तान में 35 लाख अफराद बेघर हुए और ये क्यों हुआ? अस्सी की दिहाई में अफगानिस्तान पर गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग में पाकिस्तान सफे अव्वल में था अमरीका ने अफगानिस्तान की आजादी के लिए मुजाहिदीन को तरतीस वर्ल्ड दुनिया भर से मुजाहिदीन ग्रुपों अफगान मुजाहिदीन और अलकायदा को हीरो अमरीकी सदर रोनल्ड रेगन ने उन्नीस में उनको व्हाइट हाउस में दावत दी एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इनका मवाजना अमेरिका के बानियों के साथ किया था वो हीरो थे उन्नीस तो में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला गया और इसी तरह अमेरिकी भी अफगानिस्तान को छोड़ गए पाकिस्तान को 50 लाख अफगान पना के साथ तनहा छोड़ दिया गया हमारे यहाँ मजहबी फिरका फैलाने वाले अस्करी ग्रुप्स आ गए जिनका पहले कोई वजूद न था बदतरीन सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब एक साल बाद अमरीका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयल कर दी हमें लगा कि हम इस्तेमाल हुए वक्त गुजरा नाइन अलेवन हुआ और एक बार फिर अमरीका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई क्योंकि अब अमरीका की जेर क्यादत इतिहास अफगानिस्तान पर हमला करने जा रहा था पाकिस्तान की जानब से लॉजिस्टिकल सपोर्ट के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था इसके बाद क्या हुआ वही मुजाहिदीन जिनको हमने गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया था कि गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जंग एक मुकदस फरीजा है एक मुकदस जंग और जिहाद है वो हमारे ही मुखालिफ हो गए We हमें कार गर्दाना किया और उन्होंने हमारे खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया फिर अफगानिस्तान के साथ सरहद के कबायली इलाके में जो पाकिस्तान का तौर पर खुद मुख्तार इलाका था जहाँ हमारी आज़ादी के वक्त से कोई फौज तैनात नहीं की गई थी उनकी अफगान तालिबान के साथ बहुत ज्यादा हमदर्दी थी इसलिए नहीं कि उनका मजहबी नजरिया एक है बल्कि पश्तून से जो कि मजबूत ताल्लुक है फिर 30 लाख अफगान पना अब भी पाकिस्तान, पाकिस्तान में थे वो सब पश्तून हैं जो कैंपों में रह रहे हैं पाँच लाख पना तो का सबसे बड़ा कैंप और एक लाख अफराद पर मुश्तमिल कैंप्स इन सब की अफगान तालिबान के साथ हमदर्दी थी फिर क्या हुआ वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए पहली बार पाकिस्तान में पसंद and तालिबान called, सामने उन्होंने भी पाकिस्तानी हुकूमत पर हमले किए हमारी तारीख में जब पहली बार हमारी फौज इलाकों में गई जब भी फौज शहरी इलाकों में जाती है तो इसके नतीजे में और बिला तख्सीस नुकसान होता है इससे बिला तख्सीस नुकसान हुआ जिसके नतीजे में बदला लेने के लिए अस्करीत पसंदों की तादाद दुगनी और तिगनी हो गई सिर्फ यही नहीं दुनिया को मालूम होना चाहिए कि अमरीका ने पाकिस्तान में चार सौ अस्सी किए हम सब जानते हैं कि ड्रोन हमले अपने हदफ को दुरुस्त निशाना नहीं लगा सकते वो इन अस्करियत पसंदों के मुकाबले में जिनको वो निशाना बना रहे होते हैं ज्यादा इज्तमी नुकसान करते हैं जिन लोगों के प्यारे मारे गए उन्होंने पाकिस्तान से बदलाउ दो हजार चार और दो हजार चौदह के दरमियान पचास हमलावर थे एक वक्त था, जब मेरे जैसे लोग परेशान थे कि क्या हम इस सूरत हाल का कामयाबी से मुकाबला कर पाएंगे पाकिस्तान में हर तरफ बम धमाके हो रहे थे हमारा दारकूमत एक कले की मानन दिखाई देता था अगर हमारी फौज ना होती जो कि दुनिया की इंतहाई मुनजम अफवाज में से एक है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है अगर ये ना होती तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान नीचे चला जाता जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं जब अमरीका अफगान तर्जुमानों और उन लोगों के बारे में जिन्होंने उसकी मदद की परेशानी जाहिर की जाती है तो हमारे बारे में क्या ख्याल हमने जो इस कदर मुश्किल है जहाँ अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे हमारे लिए कम अज कम तारीफ का एक लफ्ज ही कहा जाता लेकिन सराहने के बजाय तस्वुर करें हमें कैसा महसूस होता है जब हम पर अफगानिस्तान के वाकयात के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की जाती है 2006 के बाद ये बात हर किसी के लिए वाज थी जो अफगानिस्तान को समझता है जो अफगानिस्तान की तारीख से बाखबर है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं होगा मैं अमेरिका गया मैंने थिंक टैंक्स के साथ बात की मैंने उस वक्त सैनिटर बाइडन सैनिटर जॉन कैरी और सैनिटर हैरी रीट से मुलाकात मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि इस मसले का कोई फौजी no हल नहीं that. है और सियासी हल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। किसी ने यह बात न समझी और बदकिस्मती से, से फौजी हल तलाश करने में अमेरिका ने गलती की वर्ल्ड नीड्स टू नो अगर आज दुनिया ये जानना चाहती है कि क्यों तालिबान वापस इक्तदार में आ गए हैं तो उसे तफसी करने की जरूरत होगी नफूस पर मुश्तमिल अफगान कौम दुनिया की बहादुर तरीन कौम में से एक है और उसने मुकाबला नहीं किया तबसली तजिया किया जाएगा तो दुनिया को मालूम हो जाएगा कि तालिबान इकतदार में वापस क्यों आए हैं और ये पाकिस्तान की वजह से नहीं है so, right world... जनाबी सदर इस वक्त सारी आलमी बरादरी को ये सोचना चाहिए कि आगे बढ़ने का रास्ता तो तो क्या है हमारे पास दो तो रास्ते हैं If we neglect Afghanistan right now, अगर इस वक्त हम अफगानिस्तान को पसेपुष्ट डाल दें तो अफगानिस्तान के आधे अवाम जिनको पहले ही मुश्किल का सामना है और अवी मुत के मुताबिक अगले साल तक अफगानिस्तान के, के नब्बे फीसद लोग लोगबत की लकीर से नीचे चले जाएंगे हमें एक बहुत बड़े इंसानी बहरान का सामना होगा जिसके संगीन असरा अफगानिस्तान के हमसायों के लिए ही नहीं बल्कि हर जगह होंगे। मुश्किल और बहरान से दो चार अफगानिस्तान एक, एक बार फिर बैन दहशत गर्दों के लिए महफूज पना का so अमरीका अफगानिस्तान में क्यों आया था इसलिए आगे जाने का एक ही रास्ता है कि हम अफगान आवाम की खातिर लाजमी तौर पर मौजूदा हुकूमत को मुस्कम करें तालिबान ने क्या वादा किया था वो इंसानी हकूक का एहतराम करेंगे वो एक मखलूत बनाएंगे वो अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने नहीं देंगे और उन्होंने माफी का ऐलान किया। अगर आप आलमी उनकी हौसला अफजाई करती है और उनके साथ बातचीत करे तो ये सबके लिए कामयाबी होगी क्योंकि ये वो चार चीजें थी जब दोहा में अमेरिका के तालिबान के साथ हुए थे और बातचीत का महवर यही बातें अगर दुनिया इस सम में आगे बढ़ने के लिए उनकी हौसला अफजाई करती है तो अमरीकी इतिहाद की अफगानिस्तान में 20 साल के दौरान की जाने वाली कोशिशें ज्यादा नहीं होंगी क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन बैनल दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी मैं अपनी बात you खत्म करते हुए सब पर जोर दूंगा कि ये अफ़ग़ानिस्तान के लिए नासुख वक्त आप वक्त नहीं कर सकते वहाँ इमदाद की जरूरत है वहाँ फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की जाए आलमी बरदरी को इस मकसद के लिए मुतहर करें Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan for the statement uh, just made.